animal fibers. The first is a wool. The fiber that is obtained from the hairs of sheep, camels, goats and rabbit. ये जो wool है वो हमें किससे मिलती है? Animal से मिलती है, उनके जो hairs हैं उससे. तो इसमें आप sheep, camel, goat, rabbit या इन सब के जो hairs हैं उनसे हमें wool मिलती है. The hairs are removed from animals with the help of a special clipper or a big razor. तो जो एनिमल्स की जो फ्लीस है, जो फ्लीस है मतलब कि जो उसके बाल हैं उनको उसके स्किन के साथ में, ऊपर के जो स्किन है उसके साथ में उसे उतारा जाता है. तो ये एक उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस है, जैसे कि हमने कहा है कि स्पेशल क्लिपर या फिर एक बहुत बड़ा सा रेजर होता है, उसकी हेल्प से ये जो फ्लीस है उसको हेयर्स को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है. इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं. द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ शीप. कि जो किस तरीके की वूल हमको मिल रही है ये किस पर डिपेंड करती है कि शीप की ब्रीड कैसी है, उसकी जो नस्ल है वो कैसी है. अगर जो उसकी ब्रीड अच्छी है तो हमें क्या होगा कि हमें गुड क्वालिटी की जो वूल है, मतलब उसका कलर जो है वो कैसा है, जो कलर है उसका, जो स्ट्रैंड है वो वूल का, जो थ्रेड है वो सब डिपेंड करता है उसकी एनिमल की ब्रीड पर. वुलन क्लोथ्स आर द गुड फॉर द वेयरिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. और जो वुलन क्लोथ्स हैं जो उनसे हेयर से जो हमको मिला है प्लीज उससे हम क्या बना रहे हैं वो. और हमने सुना है कि जो पश्मीना है वो कैसी है, जो कश्मीर में जो होती है या हिमालय रीजन के अंदर जो पाए जाने वाली जो गॉड्स हैं उनसे जो वूल मिलती है उसमें हमने जो पश्मीना एक इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ वूल कि उससे जो शॉल्स वगैरह बनते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं. और वुलन क्लोथ्स के अंदर क्या होता है कि पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें छेद होते हैं जिससे कि क्या होता है कि हमने देखा होगा स्वेटर वगैरह के, आप स्वेटर को थोड़ा सा स्ट्रैच करके देखेंगे तो उसके अंदर पोर्स होते हैं. ये पोर्स के अंदर एयर फिल हो जाती है. अब ये एयर है वो कैसी है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो क्या है जो आपकी बॉडी की हीट है उसको बाहर एटमोसफेयर के अंदर निकलने नहीं देती और हीट आपके अंदर जो बॉडी है उसको वार्म बनाए रखती है. इसीलिए हमने बोला है कि जो वुलन क्लोथ्स हैं वो जो विंटर सीजन है, कोल्ड सीजन है, उसके अंदर उस वेदर कंडीशन के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि वो उसके अंदर जो एयर है वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर निकलने नहीं देती और वार्म आपकी बॉडी को बनाए रखती है. सेकेंड इज अ सिल्क फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म. जो सिल्क है वो हमें किससे मिलता है, वो सिल्क वर्म के जो कोकून्स हैं उनसे हमें मिलता है. तो सिल्क वर्म के अंदर जो उसकी लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. इसके अंदर जो ये सिल्क वर्म है वो मलबेरी लीव्स के ऊपर पाया जाता है, मलबेरी जो प्लांट है उसके अंदर होता है और जो मलबेरी लीव्स है वो ही उसका क्या होता है, उसका खाना होता है. तो जो ये लार्वा स्टेज के अंदर वो अपने चारों तरफ जो है एक कोकून जो थ्रेड है लार्वा से अपनी जो है क्या करते हैं स्लाइडर से चारों तरफ एक जो है वो कोकून बना लेता है, चारों तरफ अपने आप को कवर कर लेता है. तो वो एक इसके अंदर कोकून स्टेज होती है, कोकून बना लेता है और उसके अंदर ही जो लार्वा है वो प्यूपा के अंदर चेंज हो जाता है और प्यूपा के अंदर चेंज होते होते उसके बाद में उसी के अंदर मैचुरेशन के अंदर वो अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है और उसके बाद में जो अडल्ट स्टेज के अंदर वो कोकून को तोड़ कर बाहर आ जाता है. सो दैट्स अ ईच सिल्क वर्म प्रोड्यूसेस अ सिंगल कंटीन्यूअस थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क दैट इज अ 300 टू 900 मीटर लॉन्ग. और जो उसने हमने चारों तरफ जो कोकून बनाया है अगर उस कोकून को हम उसमें से हम निकाल लें, कोकून से जो सिल्क है उसको अगर निकालते हैं उस फाइबर को तो कितना लंबा होता है, लगभग 300 टू 900 मीटर वो लॉन्ग होता है. लेकिन अगर अडल्ट उसमें से डेवलप होके मैच्योर होके अगर बाहर आ जाता है तो कोकून टूट जाता है. तो कोकून के टूटने की वजह से जो एक सिल्क था जो 300 से 900 मीटर लॉन्ग जो थ्रेड था वो कई टुकड़ों के अंदर टूट जाता है. तो इसके लिए कोकून्स को पानी के अंदर, वाटर के अंदर बॉईल किया जाता है तो उससे जो सिल्क वर्म है वो कोकून के अंदर ही मर जाता है और जो आपको एक जो सिल्क फाइबर है वो पूरा कंटिन्यूस एक थ्रेड हमको अनबाउंड होकर वो मिलता है. तो सिल्क वर्म सिल्क हमें मिले तो इसके लिए क्या करते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड द सेरीकल्चर.
ये हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि इसीलिए जो हम सिल्क के लिए सिल्क वर्म को पाला जाता है, उनका रेयरिंग और मैनेजमेंट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो सबसे पहले जो ये सिल्क का प्रोडक्शन है, सबसे पहले एटलीस्ट 5000 ईयर्स अगो चाइना के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, और इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर इनका जो ट्रेडिंग की जाती थी। इसीलिए एशिया से लेके और जो यूरोप तक का जो रूट था उसको सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क से बहुत जो सुंदर सुंदर जो ड्रेस हैं, वैल्यूएबल ड्रेसेस वगैरह जो साड़ी है और जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं। वो काफ़ी शाइनी मटीरियल है, काफ़ी शाइन करता है और काफ़ी महंगा ये फाइबर होता है, जो फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक काफ़ी वैल्यूएबल है।